निज्जर की हत्या में साजिश के आरोप का भारत ने सिरे से खंडन कर दिया और इस मसले पर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो कोई सटीक साक्ष्य भी नहीं दे पाए। लेकिन इस निराधार आरोप के बाद एक बार फिर टारगेट किलिंग की चर्चा काफी तेज हो गई है। इस रिपोर्ट में आप एकदम डिटेल में जानेंगे कि टारगेट किलिंग आखिर है क्या और इस पर अंतरराष्ट्रीय कानून क्या कुछ कहता है। वैसे तो अमेरिका, इजराइल और रूस की ओर से अपने दुश्मनों को विदेशी धरती पर मार गिराए जाने की घटनाओं के बाद इस तरह की बहस छिड़ती रही है कि क्या अंतरराष्ट्रीय कानून इन हत्याओं की इजाजत देता है। क्या कोई देश अपने लिए दुश्मन बनते जा रहे शख्स की विदेशी धरती पर हत्या करवा सकता है? क्या इस तरह की टारगेट किलिंग उस देश की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं है? अब इस बारे में अंतरराष्ट्रीय कानून क्या कहता है वो आपको बताते हैं। पहले अंतरराष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से किसी देश में विदेशी एजेंसियों की ओर से की जाने वाली टारगेट किलिंग उसकी संप्रभुता के खिलाफ मानी जाएगी। ये उस बुनियादी कानून का भी उल्लंघन है जिसके तहत एक देश दूसरे देश की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने का प्रॉमिस करता है। ये उस यूएन चार्टर के भी खिलाफ है जिसमें कहा गया है कि सभी सदस्य देश किसी दूसरे देश की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ धमकी या ताकत का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। 2011 में अमेरिका ने पाकिस्तान में अलकायदा के चीफ ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। इसके ठीक 10 साल बाद अमेरिका ने इराक में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को एक ड्रोन हमले में मार दिया था। इसराइल ने भी माना है कि उसने टारगेट किलिंग के तहत कई फिलिस्तीनी चरमपंथियों को मारा है। इसराइल पर ईरान के कुछ परमाणु वैज्ञानिकों को मारने का भी आरोप है। अब ऐसे में मौजूद सवाल यह है कि क्या ऐसी हत्याओं को यह कहकर समर्थन किया जा सकता है कि किसी देश को अपने दुश्मनों या फिर चरमपंथी हमलावरों को मारने का अधिकार है? क्या दुनिया के कई देशों में इस बात को लेकर सहमति है कि उन्हें सशस्त्र संघर्ष के दौरान दुश्मन को मारने का अधिकार है? अमेरिका ने लादेन और सुलेमानी दोनों की हत्याओं के समय यह तर्क दे दिया था कि ये उसके लिए काफी ज्यादा खतरा थे। उसने अपनी आत्मरक्षा में उनकी हत्या की और यह अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत पूरी तरह से मान्य है, ऐसा अमेरिका की ओर से कहा गया। लेकिन इस तरह की हत्याओं का विरोध करने वालों और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार एजेंसियों के मुताबिक ऐसी हत्याओं को बिल्कुल भी जायज नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि जिन्हें निशाना बनाया गया उन्हें खुली अदालत में खुद का बचाव करने का मौका तक नहीं दिया गया। अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन की एक वेबसाइट है, वो ये दावा करती है कि अमेरिकी संविधान और अंतरराष्ट्रीय कानून सशस्त्र संघर्ष क्षेत्र के बाहर तब तक बल प्रयोग की इजाजत नहीं देता जब तक किसी ठोस, गंभीर और आसन्न खतरे के खिलाफ इसका इस्तेमाल जरूरी ना हो जाए। यहां तक कि हथियारबंद समूहों के खिलाफ सशस्त्र संघर्षों के दौरान भी अमेरिकी सरकार सिर्फ उन्हीं लोगों के खिलाफ घातक बल प्रयोग कर सकती है जो अमेरिका के खिलाफ सीधे दुश्मनी वाली गतिविधियों में हिस्सेदार हों। जब भी सरकार घातक बल का इस्तेमाल करे तो वो इस निश्चित करे कि आसपास के नागरिकों को नुकसान ना हो। लेकिन अमेरिका में कार्यपालिका की इजाजत से ऐसे बल प्रयोग में इन मानकों का ध्यान नहीं रखा जाता। अमेरिका की ओर से इस तरह के तमाम हमले किए गए हैं कई बार जिनमें इन मानकों को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा गया। तमाम लोग उससे, आम जन भी प्रभावित हुए, ऐसा ऑन रिकॉर्ड दस्तावेजों में मौजूद है। अब इस वेबसाइट में आगे ये कहा गया है कि अमेरिका ने पाकिस्तान, सोमालिया, यमन और दूसरी जगहों पर इस तरह की गैर कानूनी टारगेट किलिंग को अंजाम दिया है बिना किसी परमिशन के। जब सरकार संविधान और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए ऐसी कार्रवाइयां करे तो उसके लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, ऐसा ये कानून दावा करता है। अब इसके विकल्प क्या हैं, ऑप्शंस क्या हैं, ये आपको बताते हैं। एक्सपर्ट्स इस बाबत दावा करते हैं कि कनाडा ने भारत पर आरोप तो लगाए हैं लेकिन अभी तक कोई सबूत पेश नहीं किया है। ऐसे में उसके पास जो ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं, वो बहुत सीमित ही दिखते हैं, लिमिटेड ही दिखते हैं। कई जानकारों की राय है इस बारे में कि कनाडा इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जा सकता है लेकिन वहां भी फैसला उसके पक्ष में आए ऐसा बहुत कम चांसेस हैं ऐसे, क्योंकि उसके पास सबूत ही नहीं है। जानकारों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय अदालत उन मामलों में फैसला नहीं करती
जब देशों के बीच सशस्त्र संघर्ष चल रहा हो। अल जजीरा न्यूज एजेंसी है वो ये बीते रोज उसने आर्टिकल छापा कि निज्जर की हत्या में अगर भारतीय एजेंसियों का हाथ होने के सबूत मिलते हैं तो इसे अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ माना जा सकता है, लेकिन इस केस के इंटरनेशनल कोर्ट में जाने की संभावना बेहद कम है। उनका कहना है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस तरह के अंतरराष्ट्रीय विवाद के बहुत कम मामलों की सुनवाई होती है। सैद्धांतिक तौर पर इंटरनेशनल कोर्ट किसी भी मामले में, किसी भी केस में, इसमें देश की ओर से किसी भी व्यक्ति की हत्या का केस भी शामिल है, उनकी सुनवाई कर सकता है। हालांकि भारत और कनाडा दोनों ने इसका ऐलान किया है कि कॉमनवेल्थ के सदस्य इन देशों के बीच इस कोर्ट का न्याय क्षेत्र बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। फिलहाल दोस्तों, टारगेट किलिंग और कनाडा के आरोपों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के बिल्कुल अंदर की खबर जानते रहने के लिए TV9 भारतवर्ष का YouTube चैनल है, उसमें ओरिजिनल्स प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाएं और वहां के वीडियोस लगातार देखते रहें। मैं प्रियंक वाजपेयी, शुक्रिया, नमस्कार।